प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर राजकीय महाविद्यालय के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के लिए है और आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइस एंड फायर, जिसकी पहली लाइन है माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। ज़्यादा प्रचलित नाम इसका केवल आइस एंड फायर है, लेकिन जैसा कि प्राचीन परंपरा रही थी, जब किसी पोएम का नाम नहीं दिया जाता है तो फिर उसको उसकी पहली लाइन से ही जाना जाता है और पोएम की पहली लाइन यही है, माई लव इज लाइक टू आइस एंड फायर। फिर भी इसका पॉपुलर नेम, जो प्रचलित नाम है, जो आपकी बुक में भी है, पोइट्री बुक में, वो है आइस एंड फायर। आपकी पहली जो किताब है, जो पहली बुक है इंग्लिश लिटरेचर के लिए पेपर फर्स्ट में, वो है पोइट्री बुक। और पोइट्री बुक्स के अंदर हम पोएम्स पढ़ेंगे और उनमें से पहली जो पोएम है वो है आइस एंड फायर। अब हम चर्चा करते हैं कि इस पोएम के अंदर क्या दिया गया है। तो सबसे पहले मुख्य बात यह है कि इस पोएम के जो लेखक हैं, पोइट हैं, वो है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर की एक कविता है और यह एक सोनेट है। सोनेट आपको पहले से परिचय होगा, या फिर नहीं है तो मैं बताऊं आपको कि एक 14 लाइन की जो छोटी कविता होती है उसको हम सोनेट के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक सोनेट है और एक लव सोनेट है जो कि एडमंड स्पेंसर ने अपनी पत्नी के लिए लिखा था जब उनकी शादी नहीं हुई थी। तो उसमें ये अपनी पत्नी, जो कि उस समय उनकी प्रेमिका रही थी, उनसे अपना प्रेम अनुनय कर रहे हैं, यानी अपना प्यार के लिए, प्रेम प्रस्ताव के लिए उनके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और इसमें चर्चा कर रहे हैं कि एडमंड स्पेंसर अपने आप को फायर यानी आग मान रहे हैं, जो कि तीव्र भावना वाली और तेजी वाली होती है, जबकि इनकी पत्नी उसको ये आइस यानी बर्फ मान रहे हैं। मुख्य जो बिंदु है जो एडमंड स्पेंसर ने यहाँ पर डिस्कस किया है, जिस पर चर्चा की है, वो है इन प्राकृतिक तत्वों के विपरीत स्वभाव के बारे में। जैसा कि मैंने ऐसा कहा कि एडमंड स्पेंसर खुद को मानते हैं फायर यानी आग, आग जो कि गर्मी देती है और चीज़ों को पिघला देती है, जबकि दूसरी ओर इसकी जो प्रेमिका है, जिसको इसने बर्फ माना है, तो बर्फ की प्रकृति ठंडक देना है और किसी दूसरी चीज़ को जमा देना है। लेकिन एडमंड स्पेंसर का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस प्रेम प्रसंग के अंदर जो एडमंड स्पेंसर का अपनी प्रेमिका के साथ है, उसमें इन चीज़ों का बिल्कुल विपरीत प्रभाव हो रहा है। क्योंकि अब आग और बर्फ, आग जब बर्फ के पास जाती है तो बर्फ पिघल जाती है और आग भी थोड़ी शांत होती है, लेकिन स्पेंसर का कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर इस मामले में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जब ये आग आइस यानी बर्फ के पास जाती है, अर्थात स्पेंसर जब अपनी प्रेमिका के पास जाता है, तो इसकी जो आग यानी तीव्र भावनाएं हैं, जो प्रेम की आसक्ति है या प्रेम भावनाएं, वो कम नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है, और उल्टा बर्फ जो कि ठंडक देती है, चीज़ों को जमा देती है, वो आग के पास आने से पिघल नहीं रही है बल्कि और ज़्यादा सख्त हो रही है। तो ऐसा केवल प्रेम प्रसंग में या प्रेम के मामलों में ही हो सकता है कि आग बर्फ के पास जाने से और ज़्यादा तीव्र यानी प्रज्वलित हो रही है, और बर्फ भी आग के पास आने से पिघलने के बजाय और ज़्यादा कठोर हो रही है। तो एडमंड स्पेंसर का कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एडमंड स्पेंसर अपनी प्रेमिका को अपने प्रेम प्रस्ताव के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ज़्यादा वो मनाने की कोशिश करता है, उसकी प्रेमिका और ज़्यादा कठोर बर्ताव करती है और ज़्यादा रूखा बर्ताव करती है। लेकिन इससे उलट, जब इस प्रकार का कोई रूखा व्यवहार कर रहा हो तो व्यक्ति की भावनाएं थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, उसकी जो प्रेम आसक्ति है, प्रेम भावना है, वो और ज़्यादा तीव्र हो रही है। तो जैसे जैसे उसकी प्रेमिका रूखा व्यवहार करती है, निष्क्रियता का व्यवहार करती है, कवि की जो भावनाएं और ज़्यादा जागृत होती है। यही विचार इस कविता के अंदर बताया गया है। तो हम जल्दी से इनके पॉइंट्स देख लेते हैं, इस पोएम में क्या है जो आपको याद रखने हैं। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, 1-1 नंबर के, और 10 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, जिसका आंसर 250 शब्दों में देना है, और क्वेश्चन 500 शब्दों वाले हैं, बड़े बड़े जो ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं वो भी आते हैं। तो देखते हैं हम, माई लव इज़ लाइक टू आइस एंड आई टू फायर बाई एडमंड स्पेंसर। तो ये पोएम है माई लव इज़ लाइक टू आइस एंड आई टू फायर बाय एडमंड स्पेंसर, जो कि एडमंड स्पेंसर ने लिखी है। यह एक 14 लाइन सोनेट, एक 14 लाइन की कविता है जिसे हम सोनेट के नाम से जानते हैं। इट कन्फर्म्स टू द पैटर्न ऑफ ट्रेडिशनल स्पेन सीरियन सोनेट। और ये जो कविता है
तो परंपरागत स्पेन सीरियन सोनेट यानी स्पेंसर के जो सोनेट होते हैं उसी के पैटर्न संरचना को कंफर्म करता है, यानी उसी को फॉलो करता है, उसी के अनुसार ये निर्मित है। दो प्रकार के सोनेट हैं जो हम देखते हैं, एक तो होता है इटालियन सोनेट और एक होता है स्पेनियन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट। दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन ये जो सोनेट जो हम देख रहे हैं वो स्पेंसर वाला है। दिस फॉर्म ऑफ सोनेट, सोनेट का जो ये रूप है, सोनेट राइटिंग का जो ये रूप है जिसको हम स्पेनियन सोनेट के नाम से जाते हैं जानते हैं, जैसा कि आया था वॉज पायनियर्ड, इसकी शुरुआत की गई थी पोएट हिमसेल्फ, खुद कवि के द्वारा, जो कि एडमंड स्पेंसर है। एडमंड स्पेंसर ने ही इसकी शुरुआत की थी। इस मार्क्ड और ये चिन्हित होता है बाय थ्री क्वार्टरेंस, तीन क्वार्टर एंड तीन चौपाइयाँ एंड और कपलेट, यानी एक कपलेट एंड दो से। चौपाई का मतलब होता है चार लाइनों का समूह और कपलेट का मतलब होता है दो लाइनों का समूह। तो इस प्रकार चार चार लाइनों के तीन समूह यानी 12 लाइनें और एक दो लाइनों का समूह, तो 14 लाइनें हो गई। तो तीन क्वार्टर, तीन चौपाई और एक कपलेट, एक दोहे से युक्त होता है। और यही स्ट्रक्चर है, संरचना है स्पेंसर सोनेट की, स्पेंसर के द्वारा लिखे गए सोनेट की। द लाइन्स राइम ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई, और जो 14 पंक्तियां हैं उनकी राइम स्कीम यानी तुकबंदी, तुकबंदी यानी पीछे की जो आवाज़ें मिलती है वो, तो वो हैं ए बी ए बी यानी पहली और तीसरी जो लाइन है उन दोनों के पीछे की आवाज़ मिलेगी, बी बी यानी दूसरी और चौथी की मिलेगी, इसी प्रकार पांचवी में फिर वापस दूसरी और चौथी से मिलिटी रहेगी, और फिर छठी में सी यानी एक तीसरी प्रकार की अलग आवाज़ आ जाएगी, फिर वापस जो सातवीं लाइन है उसमें बी रहेगा, जहाँ जहाँ पे भी बी 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 लिखा हुआ है उनके पीछे लाइनों की आवाज़ें वैसी रहेगी। जैसे कोई लाइन अगर लाइक से ख़त्म होती है तो इस जगह स्पाइक हो सकता है, यहाँ बाइक हो सकता है, यहाँ स्ट्राइक हो सकता है, तो ऐसे आवाज़ें रिपीट होती है। तो सी 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 सी, ये चार जगह सी सी आ रहा है, तो इसका मतलब इन लाइनों के पीछे की आवाज़ें एक जैसी रहेगी। जैसे बुक, शुक, टुक, रुक, इस तरह से आवाज़ रहती है। डी डी ई ई, तो इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई। एज वॉज स्पेंसर्स हैबिट, जैसे कि स्पेंसर की आदत थी, सोनेट इज कम्पोज इन आयम्बिक पेंटामीटर, ये जो सोनेट है इसको भी आयम्बिक पेंटामीटर में रचा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है द्विमात्रिक पंचपदीय, यानी दो दो स्वर ध्वनियों के 5 सेट होते हैं, यानी दो दो दो, एक किसी भी पोएम की लाइन में स्वर ध्वनियाँ होती है और उनको 5 भागों में बांटा जाता है, हर एक सेट में 2 रहती है, तो दो 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 और दो, इस प्रकार 5 सेट हो गए। पेंटा का मतलब 5 और आयम्बिक का मतलब 2 ध्वनियों का सेट, तो 10 टोटल आवाज़ें होती हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, ईच लाइन कंटेंस 5 सेट्स ऑफ 2 बीट्स, यानी प्रत्येक लाइन के अंदर 2 बीट्स यानी दो दो स्वर ध्वनियों के 5 सेट 5 समूह होते हैं। फर्स्ट ऑफ दिस बीट इज, और पहला जो इन ध्वनियों का जो पहला समूह है इज अनस्ट्रेस्ड और सेकंड स्ट्रेस्ड, इसका मतलब ये है कि पहली जो आवाज़ रहेगी वो अनस्ट्रेस्ड रहेगी यानी लघु रहेगी, लघु का मतलब धीमे आवाज़ रहेगी, एंड सेकंड स्ट्रेस वो दूसरी रहेगी भारी यानी गुरु आवाज़ रहेगी। तो जैसा मैंने कहा आयम्बिक पेंटामीटर में 10 आवाज़ें होती हैं और 10 आवाज़ों को दो दो हिस्सों में बांटा गया है, तो 5 भाग हो जाते हैं, और जो प्रत्येक भाग है जिसमें हर भाग के अंदर दो दो आवाज़ें हैं उसमें से पहली आवाज़ अनस्ट्रेस यानी धीमी रहेगी, लघु रहेगी, और दूसरी आवाज़ भारी रहेगी यानी गुरु रहेगी। तो आपको ऐसे बताऊं मैं कि 10 जो लाइनें हैं, 10 जो आवाज़ें हैं वो ऐसे रहेगी, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु और लघु गुरु, यानी ऐसा कहें तो हल्की भारी, हल्की भारी, हल्की भारी, हल्की भारी, हल्की भारी, ऐसे करके आ रहेगा। जैसे कि ये लाइन लिखी हुई है, माय लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर, इसके अंदर हम देखते हैं तो हल्की माय लव, भारी आवाज़, हल्की फिर भारी, फिर हल्की फिर भारी, फिर हल्की फिर भारी, फिर हल्की फिर भारी, इस प्रकार से आवाज़ें रहती है। तो दिस सोनेट, ये सोनेट आइस एंड फायर, माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर, इज ऑल्सो नॉन एज एमोरिटी, इसको एमोरिटी का 30वां सोनेट यानी सोनेट नंबर 30 भी कहा जाता है। एमोरिटी एक कलेक्शन है जिसमें एडमंड स्पेंसर के सोनेट्स यानी 14 लाइनों की बहुत सारी कविताएं हैं, और इसमें टोटल 89 सोनेट यानी 89
सोनेट्स कविताएं, उसमें से ये 30वें नंबर का 30 नंबर का सोनेट है। तो इट वॉज वन ऑफ द 89 सोनेट, ये 89 सोनेट्स में से एक है। स्पेंसर रोट, जो कि स्पेंसर ने लिखे थे सेलिब्रेट हिज मैरिज, अपनी शादी का जश्न मनाने के लिए, टू एलिजाबेथ बॉयल। इसकी जो प्रेमिका थी पहले, जो बाद में जिससे इसने शादी की, उसका नाम है एलिजाबेथ बॉयल। तो एलिजाबेथ बॉयल से अपनी शादी को का उत्सव मनाने के उपलक्ष्य में इसने जो 89 सोनेट लिखे थे उनमें से ये 30वें नंबर का। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि पोएम के अंदर क्या है, समरी सारांश देखते हैं क्या दिया गया है। देखो आप, द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर, इस कविता की शुरुआत होती है वक्ता से, वक्ता स्वयं एडमंड स्पेंसर है, स्टेटिंग, जो कि ऐसा कह रहा है कि ही इज लाइक फायर, कि वो खुद फायर यानी आग के समान है, एंड हिज लवर इज लाइक आइस, और उसकी जो लवर प्रेमिका है वो बर्फ के समान है। ऑल दो दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यद्यपि वो दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, देयर लव इज स्ट्रॉन्ग, फिर भी उनका जो प्यार है वो बहुत मजबूत है। इट बिकम क्लियर, और यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है एज द पोएम प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे कविता प्रोग्रेस करती है आगे बढ़ती है, ये बात और स्पष्ट हो जाती है दैट कि इट इज़ ड्यू टू देयर डिफरेंसेस, कि यह ड्यूटी यानी के कारण से, कि यह उनके बीच में इसी प्रकार के जो मतभेद या दूरियां हैं उनके कारण से है, दैट देयर लव सक्सीड्स, जिससे कि उनका प्यार और आगे बढ़ता है। तो ये कविता से पता लगता है कि उनके बीच में जो दूरियां, जो मतभेद है, उसी मतभेदों के कारण उनका प्रेम सक्सीड आगे बढ़ता है। फर्स्ट थ्री सेट ऑफ फोर लाइन्स कंटेंस क्वेश्चन, जो शुरू के जो तीन सेट हैं, तीन समूह हैं, चार चार लाइनों के, यानी चार लाइन के समूह को क्या बोलते हैं, क्वाट्रेन, अभी ऊपर भी आया था क्वाट्रेन। तो क्वाट्रेन के जो तीन सेट हैं, तीन समूह हैं, यानी टोटल जो 12 लाइनें हैं, उन लाइनों के अंदर कंटेंस द स्पीकर, क्वेश्चंस द स्पीकर, उसमें जो क्वेश्चन प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न पूछे हैं स्पीकर ने, द स्पेंसर हिमसेल्फ, स्पेंसर खुद ने, पोजेज, जो कि वो प्रस्तुत करता है टू द रीडर पाठकों के सामने। तो स्पीकर खुद पाठकों से ये कुछ प्रश्न पूछता है, तो शुरू की 12 लाइनों में ये प्रश्न ही है, दे आर नॉट मेंट टू बी आंसर, लेकिन ये जो प्रश्न है उनका उद्देश्य नहीं है टू बी आंसर्ड, कि उनका उत्तर दिया जाए, इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना उनका उद्देश्य नहीं, यानी ये प्रश्न है वो अंडरस्टूड है, यानी केवल प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पूछे गए हैं, आंसर हम सभी जानते हैं। इंस्टेड, इसके बजाय, दे आर इंक्लूडेड टू एम्फसाइज मिरेकुलस नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, और इसके अलावा भी दे आर इंक्लूडेड, उन प्रश्नों को शामिल किया गया है टू एम्फसाइज, जोर देने के लिए, द मिरेकुलस नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, इस रिश्ते का जो चमत्कारी जो प्रकृति है, स्वभाव है, उस पर जोर देने के लिए। यह उनके बीच में जो रिश्ता है वो चमत्कारी प्रकृति वाला कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर सामान्य से विपरीत व्यवहार हो रहा है। जो व्यक्ति है जो अपने प्रेमिका के रूखे व्यवहार से निराश न होकर और ज़्यादा प्रज्वलित होता है और ज़्यादा उत्साही होता है, जबकि प्रेमिका अपने प्रेमी के प्रयासों के बावजूद भी अत्यधिक रूखी और कठोर नजर आती है। द वुमन आइस नोज मेल्टेड बाई फायर, कि उस महिला जो औरत है उसकी जो बर्फ है उस पुरुष की फायर यानी आग से पिघल नहीं रही है, नॉर इज इस फायर, और न ही उसकी फायर यानी आग है जो कि अलर्ट बाई हर कॉल्ड, जो कि उसकी ठंडक से अलग यानी कम हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो दोनों ही डटे हुए हैं, और एक प्रेमिका का रुखापन और प्रेमी की जो तीव्र भावनाएं हैं वो कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है। द पोएम कंक्लूड्स विद द कपलेट, और कविता है उसके समाप्त एक कपलेट, एक दोहे यानी दो लाइनों के समूह से होती है, दैट आंसर, जो कि उत्तर देता है ऑल ऑफ स्पीकर्स क्वेश्चन, जो स्पीकर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो प्रश्न पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब देता है। इट्स लव दैट हैज गिवन देयर रिलेशनशिप, कि यह प्यार ही है जिसने जीवन दिया है, देयर रिलेशनशिप, उनके रिश्ते को दी है द पावर, वो ताकत दी है, इट नीड, जिसकी इसको आवश्यकता है टू सक्सीड, आगे बढ़ने के लिए, कि ये प्यार ही है उनके बीच में जिसने इस रिश्ते को वो शक्ति दी है, जो शक्ति इसको आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। लव हैज एबिलिटी टू ओवरकम, क्योंकि प्रेम के अंदर योग्यता होती है, क्षमता होती है टू ओवरकम, कि वो काबू कर सकता है, कि वो नियंत्रण कर सकता है ऑल टाइप्स एंड काइंड, सभी प्रकार की चीज़ों और सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको नियंत्रित करता कर सकता है, यही प्रेम की क्षमता है। तो ये था इस पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन और थीम, विषय वस्तु क्या थी,
और समरी कविता में क्या बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम एक नई दूसरी कविता के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।